हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे मानव पूंजी निर्माण के अंदर शिक्षा का क्या रोल है। तो शिक्षा के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव पूंजी निर्माण में सबसे अहम तत्व जो होता है वो शिक्षा होता है। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट में हम शिक्षा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व कैसे है। ठीक है, सबसे पहले बात तो शिक्षा के अंदर क्या क्या आता है। शिक्षा के अंदर आता है अध्यापन, प्रशिक्षण और अभिगमन। ठीक है, सीखना, सिखाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंदर आती है। ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा जो है वो अध्यापन, प्रशिक्षण और अभिगमन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूलों कॉलेजों में ज्ञान को सुधार तथा कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया जी, शिक्षा के अंदर 3 चीज़ें आती है, अध्यापन, प्रशिक्षण और अभिगमन। ठीक है, तो ये 3 बातें शिक्षा के अंदर आती है। शिक्षा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाता है देश के अंदर, ये बात आपको पता है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में शिक्षा का विस्तार उत्साह प्रवर्धन नहीं रहा है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में जितनी तेज़ी से शिक्षा का प्रसार हुआ है, भारत में इतनी तेज़ी से शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है। जिसके लिए एक डाटा दिया गया है, 2011 के अंदर भारत की जो कुल जनसंख्या था उसका 74.04% ही सिर्फ क्या किस में आता था, साक्षरता दर के अंदर आता था। साक्षर वे, मैं बता दूं, साक्षर वे व्यक्ति होते हैं जिनको पढ़ना और लिखना आता है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में 74% लोग ऐसे थे जिनको किसी भी एक भाषा के अंदर या तो पढ़ना और लिखना आता है। ठीक है, तो साक्षर और साक्षरता और शिक्षा में अंतर होता है। शिक्षा एक लेवल पे होता है, जैसे प्राइमरी शिक्षा है ना, इसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद जो होगी कॉलेज की पढ़ाई, तो ये एजुकेशन है। जबकि जो लिटरेसी रेट होता है, लिटरेसी यानी साक्षरता का मतलब होता है जो बंदा किसी एक लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को पढ़ना और लिखना जानता है। अगर आप स्कूल कभी नहीं गए और आप किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। तो भारत के अंदर साक्षरता दर 74% थी 2011 के अंदर, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर ये 90 से 95% थी। तो इससे पता चलता है भारत में शिक्षा का उतना ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ जितना बहुत सारे देशों के अंदर, बड़े बड़े देशों में और विकसित देशों के अंदर हुआ है। शिक्षा और साक्षरता अलग है। शिक्षा के 3 स्तर होते हैं। शिक्षा के कितने स्तर होते हैं? 3। एक माध्यमिक शिक्षा, जैसे हम लोग बोलते हैं पहली से पांचवीं तक, सॉरी प्राथमिक शिक्षा जो पहली से पांचवीं तक, और एक होता है माध्यमिक शिक्षा जैसे छठी क्लास से लगभग 12वीं तक या कहीं कहीं 10वीं क्लास तक, और एक होता है उच्चतर शिक्षा जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह बोलते थे। तो ये शिक्षा का स्तर है। जबकि साक्षरता का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति मान लो कभी स्कूल नहीं गया और वो किसी एक लैंग्वेज को पढ़ लेता है या लिख लेता है, वो साक्षर है, है ना। शिक्षित व्यक्ति, जितने भी शिक्षित व्यक्ति होते हैं सारे साक्षर होते हैं, लेकिन सारे साक्षर व्यक्ति शिक्षित नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है, शिक्षित का मतलब होता है जिसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त की हो, इसे कहते हैं शिक्षा। लेकिन साक्षरता मतलब क्या होता है कि भले ही आप कभी स्कूल नहीं गए, आपको सिर्फ पढ़ना और लिखना आता है किसी भी एक लैंग्वेज को, तो आप साक्षर कहला दिए जाओगे। ठीक है, तो साक्षरता और शिक्षा में मैंने आपको अंतर बता दिया। भारत के अंदर साक्षर व्यक्तियों की संख्या में भी इतनी ज़्यादा कमी है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में हम साक्षर व्यक्तियों की तुलना में भी बहुत कम है। शिक्षित की तो बात ही आप छोड़ दो। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही छोटा और कॉमन सा क्वेश्चन है, शिक्षा का महत्व तथा इसके उद्देश्य। कह रहे हैं कि शिक्षा हमारी लाइफ के अंदर कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहला यार, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं ना, वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगर देश के अंदर शिक्षा ज़्यादा होगी तो देश वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से काफ़ी ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, और ये बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ का लिटरेसी रेट, जहाँ का एजुकेशन रेट बहुत हाई है और वो तकनीक में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अगले नंबर पे, शिक्षा जो होता है वह प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों को उपयोग करने में सहायक करता है। किसी देश के पास बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन उसके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उन संसाधनों का कैसे उपयोग हो पाएगा? भाई, संसाधनों का उपयोग तभी हो पाएगा जब देश के अंदर शिक्षित लोग होंगे। नेक्स्ट है, यह लोगों को मानसिक विकास करने में मदद करता है। देखो, शिक्षा जो होता है ना, लोगों को मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाता है, आगे तक की सोचने में मदद करता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है लोगों को काफ़ी इमेजिनरी बनाने में मदद करता है। समृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में लोगों में अधिक सहभागिता होती है। अक्सर तुम देखोगे जिन देशों के पास लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के अंदर सारे लोग जॉब करते हैं। आप इंडिया में देख सकते हो, अगर किसी फैमिली के अंदर सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उनके घर
घरों में सारे लोग जॉब कर रहे हैं, जबकि लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो फैमिली के अंदर सिर्फ एक लोग या दो लोग ही काम करते हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोगों को जॉब आसानी से मिलती है तो पूरी फैमिली काम कर सकती है। ऐसे देश जहाँ पर शिक्षा अच्छी है वहाँ की सहभागिता दर ज़्यादा होती है, यानी वहाँ पर ज़्यादातर लोग प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए थे। यह नागरिक की संस्कृति के स्तर पर उच्च बनाने में सहायता करती है। देखो, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि अपनी संस्कृति का पालन कैसे करना है, अपने कल्चर को कैसे बचाना है। तो अगर किसी देश के कल्चर को बचाना है तो वहाँ के लोगों को एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। यह मानवीय व्यक्तित्व को भी विकसित करती है। किसी इंसान का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से जानता है कि उसे किस टाइम पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किन लोगों के साथ उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, वो सारी अच्छी और बुरी चीज़ों की समझ रखता है। तो एक तरीके से जो शिक्षा होता है वो मानवीय व्यक्तित्व को भी विकसित करने में मदद करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है शिक्षा का क्या महत्व है, तो आप ये छोटे छोटे से पॉइंट्स उठाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है। देखो, इसके कुछ पॉइंट दिए गए। शिक्षा में भारी मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है, ठीक है। देश की पॉपुलेशन, भारत की बात कर रहा हूँ, देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार बढ़कर आगे नहीं आएगी तो देश में बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्कूल जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो बहुत सारे लोग अनपढ़ रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगला, निजी निवेशकों से यह आशा करना बहुत कठिन है कि वह स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूंजी लगाई जब तक कि उन्हें उन सेवाओं के खर्च के बदले उच्च लागत और उच्च कीमतों पर वसूल करने की अनुमति नहीं दी जाती। देखो, अगर प्राइवेट सेक्टर, आप प्राइवेट स्कूल को देख लो, प्राइवेट स्कूल किस लिए काम करते हैं, वो बच्चों से हैवी फीस चार्ज करते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल में सिर्फ वही बच्चा पढ़ पाएगा जिनके पास अच्छा पैसा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वही बंदा इलाज करवा पाएगा जिनके पास इलाज करवाने के लिए अच्छा पैसा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बैठे हुए हैं। सोशल वेलफेयर करना इनका बहुत ही सेकेंडरी मोटिव है या ना के बराबर है, इनको मेन चाहिए प्रॉफिट। और अगर सरकार आगे नहीं आएगी, सरकार अपने हॉस्पिटल और सरकार अपने स्कूल और अपने कॉलेज नहीं खोलेगी, तो देश के अंदर बहुत सारे लोग ना तो अपना इलाज करवा पाएंगे, ना ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। तो देश के अंदर जो निजी निवेशक हैं, यानी जो निजी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनसे सरकार उम्मीद नहीं कर सकती कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे या गरीब लोगों का इलाज करेंगे। इसलिए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सरकार को निवेश करना पड़ेगा। देश में आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 30% की आबादी निर्धनता रेखा से नीचे है। निर्धनता रेखा से नीचे वे लोग होते हैं जो अपने खाने के लिए भोजन और अपने रहने के लिए मकान और अपने लिए वस्त्र का इंतजाम भी नहीं कर पाते। तो सोचो, जो लोग अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम कर पाएंगे? तो इसीलिए सरकार देश के अंदर इतने बड़े निर्धन लोगों को देखते हुए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को अपने स्कूल कॉलेज, सरकार को अपने हॉस्पिटलों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यह बताया गया कि हमारे देश के अंदर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, देश के अंदर बहुत सारे लोग गरीब हैं, और देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार ने हमारे प्राथमिक मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा है। और जब देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल की गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो इसमें यह बताया गया है कि क्यों सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश करने की ज़रूरत है, ठीक है। निजी निवेशक सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं, अगर आप इनके ऊपर स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल को छोड़ दोगे तो ना तो गरीब के बच्चों को शिक्षा देंगे, ना गरीबों को अच्छा इलाज देंगे। देश में आज भी निर्धन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर सरकार बीच में नहीं आएगी तो ना उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। आज भी देश के अंदर हमारे समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र जो एक पिछड़े वर्गों के अंदर आता है, देश के अंदर गरीबी के अंदर आता है, और अगर सरकार छोड़ देगी तो ना तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना ही अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य भारत सरकार ने हमारे मूल अधिकारों में डाला है, इसलिए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बढ़कर आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यह कहा जा सकता है कि सेवाएं अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर रहेंगी जब तक कि सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इन्हें लोगों को प्रदान नहीं करती, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सरकार को भारत में आगे क्यों आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है नियंत्रण संस्था।
भारत सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी बनाई हैं। उन संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिक्षा में संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग तथा विभिन्न संगठन, जैसे कि अब भारत सरकार ने राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर कई संस्थाएँ बनाई हुई है जो शिक्षा के ऊपर निगरानी रखेंगी कि देश के अंदर क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और देश के अंदर बच्चों को किस तरीके से ज़्यादा शिक्षित करना है। उसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे जितना भी सिलेबस होता है, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये NCERT ही तय करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग UGC कहते हैं, जो हमारे कॉलेज वगैरह की जितनी भी पढ़ाई होती है, उनका जो सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम होगा, कब होगा, तो ये सब UGC तय करता है। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को भारत में बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को देश के अंदर नियुक्त किया गया है। तो ये तीन बड़ी संस्थाएं हैं भारत सरकार ने जिन्हें देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। इसके अंदर NCERT, UGC और AICTE, तो आप नेट पे सर्च करके इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये छोटी वीडियो है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बता सकता कि ये क्या क्या काम करते हैं। अगले नंबर पे स्वास्थ्य के अंदर भारत सरकार ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य पे नियंत्रण करने के लिए ICMR का गठन किया है। संगठन जैसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये हमारे देश के अंदर क्या करता है, हमारे देश के अंदर मॉनिटरिंग करता है सारे हॉस्पिटल्स की, रिसर्च सेंटर्स की, देश के अंदर क्या दवाइयाँ चल रही हैं, कैसे चल रहा है, मेडिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो ये सब जो है काम ICMR नाम की एक संस्था है वो देखती है। नेक्स्ट नंबर पे शिक्षा पर सरकारी व्यय। शिक्षा पर सरकारी व्यय का मतलब है सरकार कितना कितना पैसा शिक्षा पर आजकल खर्च कर रही है। देखो, सरकार शिक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रही है उसको हम दो तरीके से नाप सकते हैं। एक, सरकार के कुल व्यय के मतलब रूप में सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है अर्थव्यवस्था में उसका कितना प्रतिशत सरकार शिक्षा पर खर्च करती है। दूसरा, सरकार जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, यानी जितना भी हमारे देश के अंदर GDP होती है, GDP का कितना प्रतिशत हमारे शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो सबसे पहले हम सरकारी व्यय में समझ लेते हैं। सरकार 1952 से लेकर सन 2004 तक का डाटा है। 1952 से लेकर सन 2004 तक भारत सरकार ने अपने कुल व्यय का 7.92% से बढ़ाकर 15.7%, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो लगभग सरकार 15 से 17-18% तक क्या करती है, शिक्षा के ऊपर खर्च करती है अपने कुल व्यय का। ठीक है, GDP के रूप में अगर हम देखते हैं तो 1952 में सरकार GDP का 0.6% खर्च किया करती थी शिक्षा पर। जितनी GDP होती थी उसका इतना परसेंट GDP पे शिक्षा पर खर्च होता था। और सन 2004 का डाटा है, 2004 में सरकार कुल GDP का 4.13% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च करती है। तो डाटा याद रख लेना कि सरकार शिक्षा पे जो खर्चा करती है उसको दो तरीके से नापा जाता है, कुल व्यय के रूप में कितना था और GDP के रूप में कितना है। ठीक है, अगले नंबर पे है सरकारी व्यय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। सरकारी व्यय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, देखो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये बताया गया है कि सरकार सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करती है वो प्राइमरी एजुकेशन पे करती है। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है पहली से पांचवी तक की जो शिक्षा है उसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन पे ना सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, और सबसे कम पैसा जो सरकार खर्च कर रही है वो किसके ऊपर खर्च कर रही है, उच्च शिक्षा के ऊपर कर रही है या तकनीकी शिक्षा के ऊपर कर रही है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि सरकार प्राइमरी शिक्षा पे खर्च कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को इसी तरीके से द्वितीयक और उच्च शिक्षा के ऊपर भी पैसा खर्च करना चाहिए, उनका भी बजट बढ़ाना चाहिए। दूसरा, सरकार को तकनीकी शिक्षा के ऊपर जो है ना अपना बजट बढ़ाना चाहिए, अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और शिक्षा के मामले में अगर खर्च के मामले में बात करें तो हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करता है, जबकि वहीं पर जो बिहार है, बिहार सबसे कम पैसे शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बात बताई गई शिक्षा। नेक्स्ट हमारा शिक्षा पर अपर्याप्त व्यय। शिक्षा पर अपर्याप्त व्यय में यह बताया गया कि सरकार को जितना पैसा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए सरकार उतना पैसा खर्च नहीं कर रही है। सरकार का ये अनुमान था, 40 साल पहले सरकार ने अनुमान लगाया था कि देश में अगर बेहतरीन शिक्षा लोगों को प्रदान करना है तो कम से कम हमें GDP का 6% खर्च करना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो सरकार GDP का लगभग 4% ही शिक्षा पर खर्च करती है। यानी कि अगर देश के अंदर
जो रिक्वायरमेंट है शिक्षा को तेजी से बढ़ाना है तो जीडीपी का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन ये जो खर्चा है वो 4% है जो जरूरत से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी मानव पूंजी निर्माण को बेहतरीन ढंग से बढ़ाया जा सकता है। अगले नंबर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। सरकार ने निःशुल्क शिक्षा को प्रदान करने के लिए क्या क्या कोशिशें करी हैं, आइए जरा समझते हैं। भारत की सरकार द्वारा 1998 में गठित तापस मजूमदार कमेटी, ये कमेटी बनाई गई थी जो शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए बनाई गई थी, आप इसे ऐसे समझो, ठीक है। 1998 में कमेटी बनाई गई थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नाम क्या था, तापस मजूमदार कमेटी। ने अनुमान लगाया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों की शिक्षा के दायरे में लाने के लिए 10 वर्ष, इसमें अंदाजा लगाया था, मान लो सन 1999 से लेकर 2007 तक 10 वर्षों का अनुमान लगाया था, सन 1999 से सन 2007 तक अगर देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है तो लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ये किसने बताया था, तापस मजूमदार कमेटी बनाई थी सरकार ने 1998 में, उन्होंने 1999 में बताया कि अगर भारत सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को शिक्षा भारत में प्रदान करना चाहती है 10 साल में, तो 10 साल का खर्चा है 1.37 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। सन 2009 में भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में मौलिक अधिकार बना दिया गया है। हमारे देश के अंदर शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं और हाल ही में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लेकर आई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर मतलब बताया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर दुकान उकान पर काम करवाएं तो पुलिस आके पकड़ के भी ले जाती है, क्यों, क्योंकि वो उनके शिक्षा का टाइम है और सरकार ने बोला कि इस उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। भारत सरकार ने सभी संघीय करों पर 2% शिक्षा कर लगाए, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेस लगाती है 2%। आप किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को पे करोगी तो सरकार उस टैक्स के ऊपर 2% और पैसा आपसे लेगी, वो किस नाम से लेगी, एजुकेशन के नाम से। तो एजुकेशन के नाम पर सरकार 2% का टैक्स अलग से ले रही है, ठीक है, और इसके अलावा हायर एजुकेशन सेस भी लेती है सरकार 1%, ठीक है। एजुकेशन सेस 2% और हायर एजुकेशन सेस लेती है 1%, कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अगर अपना टैक्स भरती है तो सरकार 3% टैक्स उससे एक्स्ट्रा लेती है, किस नाम पर, एजुकेशन पे खर्च करने के नाम पर, ठीक है। तो सरकार बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रही है जिससे देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे भारत में शैक्षिक प्राप्तियां, अब जरा हम आ जाते हैं कि सरकार ने इतने सारे खर्चे करे, इतनी सारी कोशिशें करी, तो क्या सरकार को इसका कुछ रिजल्ट मिला या नहीं मिला। सबसे पहले हम वयस्क साक्षरता दर, एडल्ट लिटरेसी रेट पर बात करते हैं, 15 वर्ष से अधिक लोगों का प्रतिशत। भारत के अंदर साक्षरता दर में क्या कोई वृद्धि हुई, 1990 के अंदर पुरुष और महिलाओं के रूप में बात कर रहा हूँ, पुरुष में साक्षरता दर कितनी थी, यानी कि हर 100 में से लगभग 70 लोग ऐसे थे, 1990 में 100 में से 70 लोग ऐसे थे जो किसी एक भाषा में पढ़ना और लिखना जानते थे, अब कितने हो गए, 82 हो गए। महिलाएं 37.9 थी, अब कितनी हो गई, 66। इससे पता लगता है कि शिक्षा का प्रसार भारत में हुआ है। अगले नंबर पर आ जाते हैं प्राइमरी कंप्लीशन रेशो, इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो पहली से पांचवी तक की शिक्षा पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो 1990 में 100 में से कितने थे, 78 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 93। महिलाओं में 61 थी, कितनी हो गई, 96। तो महिलाओं की शिक्षा तो और तेजी से बढ़ी है। युवा साक्षरता दर, यूथ लिटरेसी रेट कितना है, जरा देखते हैं। 15 से लेकर 24 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत पुरुष में 76.6 था, अब ये 93 हो चुका है, और महिलाओं में 54.2 था, अब ये 90 हो चुका है। तो सरकार ने जो कोशिशें करी हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए उसका रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन ये अपर्याप्त है अगर इसको कंपेयर किया जाए दुनिया के विकसित देशों के साथ। तो शिक्षा का क्या रोल है मानव पूंजी निर्माण के अंदर, पूरा तत्व मैंने आपको समझा दिया, सारी बातें मैंने आपको समझा दी, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी ओवर हो गया है।